हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों मेरा नाम पूरन सिंह जादव है, मैं आठवीं तक पढ़ा हूँ। मैं ये राजस्थान से। फैमिली सर मेरे घर में पूरी फैमिली है, मम्मी है, पापा हैं, चार सिस्टर हैं और मेरे तीन बच्चे हैं, मिसेज हैं, दादी भी हैं हमारी, सब जॉइंट फैमिली है। नाम है उमेश मंडल। उमेश मंडल जी, कहाँ से? बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। हाँ, बीवी है, बच्चे हैं, पांच लड़की है। दिल्ली तो सर हम बहुत दिन पहले आए थे, जब मेरा 750 रुपया तनख्वाह था। सर शुरुआत की है, सबसे पहले हम दिल्ली आए ना, तो पहले नौकरी का कमी नहीं थी सर। अच्छा। बुला बुला के नौकरी करने के लिए ले जा रहे थे। अच्छा। तो हम लोग सबसे पहले आए तो एक्सपोर्ट लाइन में काम किए। इससे पहले मेरा क्या नाम है, बिजनेस था, मैंने रेस्टोरेंट खोला था फास्ट फूड का, बट वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उस वजह से मुझे बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर मैं ये काम करने लग गया। आज का दिन मैं सुबह सुबह आया, थोड़ा सा ड्रेस वगैरह चेंज करी, दोस्तों से मिला, उनको थोड़ा बातचीत करी, फिर उसके बाद अपना काम पे लग गया, फिर काम किया, उसके बाद फिर अटेंडेंस तो हमारी पंचिंग से लगती है, वो यहीं पर है बीएमएस के पास। ड्यूटी में हम आए थे सुबह, हम लोग को 7 बजे से ड्यूटी है सर। सुबह 6 बजे उठे होंगे आप? जी 6:30-5 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद फिर ड्यूटी का आ जाते हैं, 7 बजे हम लोग का ड्यूटी आ जाते हैं। ड्यूटी करने के बाद फिर सर वर्दी लगाते हैं, अपना कपड़ा खोल के वर्दी लगाते हैं, फिर हम लोग अपना सामान उठाते हैं साफ सफाई का, हाउसकीपिंग का। फिर उसके बाद पहला काम है हम लोग का डस्टबिन खाली करना, डस्टबिन खाली करके रख दिए। फिर दूसरा काम है कि हल्का टॉयलेट हम लोग चेक कर लिए कि कहाँ गंदगी है, उसके बाद गंदगी साफ करके उसके बाद फिर डस्ट कंट्रोल घुमा के फिर टॉयलेट बनाने गए। अब टॉयलेट सब हम लोग प्रॉपर तरीका से बनाते आ रहे हैं। ये यहाँ पर काम करने में अच्छा लगता है और सारे भैया लोग हैं जो अच्छे हैं, बातचीत करते हैं, छोटा बड़ा नहीं समझते और मतलब लगता नहीं है, मतलब अच्छा लगता है, घर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लगता है। बच्चे इज्जत करते हैं या बहुत करते नहीं हैं? बहुत सही इज्जत करते हैं, इसीलिए तो अपनापन फील होता है। मतलब घर पे थोड़ा सा अजीब सा लगता है बट यहाँ पे टाइम कब कट गया पता ही नहीं लगता। काम सर सही है, सब कुछ हमको सही लग रहे हैं, बच्चे लोग भी सही है, कॉलेज भी सही है, पढ़ाई भी सही है, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ से डिग्री लेके भी जाते हैं, मेरे सामने गए हैं, जो डिग्री लेके जाते हैं आपका सामने में सब कुछ होते रहता है फंक्शन, तो हम लोग समझ जाते हैं कि बच्चों लोग डिग्री मिल गया है, अच्छा काम किए हैं, अच्छा पढ़ाई किए हैं, कॉलेज में सर कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे भी अब तो पीएम मोदी जी जब झाड़ू लगा सकते हैं तो उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, तो सबको थोड़ा बहुत अपना मतलब जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तो करनी चाहिए। हमारे पास लड़के हैं नहीं, अभी हमारे पास लड़की हैं, बच्चे को हम बार बार वार्निंग कर देंगे, बच्चे तुम लोग पढ़ लिखो तो दूसरे घर चले जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा, बच्चे लोग कहते पापा हम हैं ना, इतना तो बच्चे देता है सवाल सर, बोला हम हैं ना, बेटा नहीं हो क्या, बेटा का बदला में मैं हूँ आपका, आप हमको पढ़ा रहे हैं ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आप यदि मर भी जाइएगा तो मम्मी का मैं अपने पास रख लूँगा, और यदि नहीं मम्मी मर गई तो मैं आपके पास रख लूँगा, इतना तक बेटी हमको बोलता है सर। ये दुआ है ऊपर वाले से और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने घर वालों को ना मतलब जो मेरे घर वाले जिस चीज़ को मतलब मैं जो मन करे ना मेरा मैं वो कर सकूँ अपने घर वालों के लिए, बस मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। मतलब उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा एक भाई है छोटा, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में है और 11वीं में है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके लिए अगर मतलब मेहनती बहुत है और पढ़ाई में भी वो है, तो मैं अभी फ़िलहाल उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब वो भी कुछ कर सके, और जितना मैंने अपने घर को संभाला है ना अब मैं उसको जिम्मेदारी, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा नाम करे, लोग बाग मुझे उसके नाम से जाने कि ये दिलीप के भाई जा रहे हैं, तो बस मुझे इतना वो करना है उसके लिए।
मेरा नाम संतोष कुमार, मालकोटी एंड एसोसिएट्स कैटरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैं ट्रिपल ITD मेस फर्स्ट फ्लोर देखता हूँ। तो आप कहाँ से? मैं देहरादून से। पहले मेरे पास टाटा मोटर्स में ही कैटरिंग का सारा काम था। मैं टाटा मोटर्स की यूनिट देखता था पहले। यहाँ पे तो मेरे पास स्टार्टिंग में लगभग 24 आए का आदमी थे, लेकिन उसके बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया है कोविड की वजह से। उसके बाद 7 से 8 स्टाफ रहा मेरे पास। अभी मेरे पास फिर 16-17 लोग हैं। स्टार्ट हमारा दिन 6 बजे से स्टार्ट होता है। मैं अभी इसमें पीछे बैक साइड में एक रूम मिला हुआ, उसमें रहता हूँ। ठीक है। और दिन हमारा स्टार्ट होता है 6 बजे से। मॉर्निंग उठना है, दूध वगैरह, अंडा वगैरह सब तैयारी, मतलब जो भी है रेगुलर जो आइटम्स हैं उनकी तैयारी करनी। 7:30 बजे हमको ब्रेकफास्ट लगाना होता है। 7:30 बजे ब्रेकफास्ट लगने के बाद 10:30 बजे तक 10:30 तक ब्रेकफास्ट चलता है। और 10 बजे एग्जैक्टली उसका टाइम है कि लास्ट 10 बजे है, लेकिन बच्चे 10:30 तक ले पाते हैं पूरा। एग्जैक्ट पूरे बच्चे जो हैं वो 9:50 के बाद ही आते हैं। हाँ, कभी कभी इशू हो जाते हैं, जैसे कभी बच्चे आपस में शेयरिंग करने लगते हैं। एक बच्चा खा रहा है तो उसने अपने आप खाया, थाली दूसरे को दे दी, वो रिफिल करके आया दोबारा खा रहा है। उनको समझा देते हैं कि बेटा ये गलत है। वेस्टेज हमारा कैटल फीड के लिए चला जाता है सारा। वो उसे धोता है ना वहाँ जाके। उसको हमने सिखा रखा है कि आप जाओगे तो इसका एक पॉन्ड बना रखा है उसमें वो धोता है। उसको धोने के बाद कैटल को देता है, क्योंकि मसाला जो है कैटल के लिए हार्मफुल होता है, उससे उसको धो करके तभी देता है। इवन जो मेरा पील है, जिसे हम गाजर पील करते हैं, आपका पील जो भी वेजिटेबल पील होगी या होगी, वो भी सब कैटल को ही जाती है। उसको हम गार्बेज डिस्पोज ऑफ में नहीं डालते, गार्बेज में नहीं डालते, वो उसको ही कहते हैं कि आप लेके जाओ। मेरे फैमिली में बेटे 2 बेटे हैं, वाइफ है, मैं हूँ, बस 4 लोग। दोनों बेटे जॉब करते हैं मेरे, नहीं एक नोएडा में है, एक बेंगलोर है, दोनों CS से ही। इसीलिए मेरे को ज़्यादा लालच वालच नहीं होता है कि ठीक है बच्चों ने जो बोला हाँ बेटे कर देंगे, कोई बात नहीं। हमारे काम के बारे में बेटे, काम तो ये तो हमारा तो काम है, हमको तो इसमें लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है। लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा तो काम आसान नहीं है इतना ना, जितना ये देखने में लगता है कि हमारे को तो बना बन के मिल गया है। हर चीज़ में टाइम लगता है। वो चीज़ हम इनको मीटिंग में समझा देते हैं, जो भी कैंटीन कमेटी वाले होते हैं कि बेटे इस चीज़ में ये प्रॉब्लम आएगी, वो उनको बता दिया जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों का व्यवहार हमारे साथ तो बहुत अच्छा है। नुकसान तो कोविड ने किया है बेटे, अब उसका तो किसी को कह नहीं सकते हैं। 17-18 लाख रुपये का नुकसान हुआ मेरा उस समय, राशन मेरा बर्बाद हो गया। अच्छा, क्योंकि मेरे पास दोनों मैस आ गई थी, एक मार्च से, और 8 मार्च को कॉलेज बंद हो गए होली के, उसमें 15 मार्च तक कॉलेज बंद थे, उन्होंने कहा 20 तक बंद होंगे, उसके बाद जो है 22 मार्च को लॉकडाउन ही हो गया। तो 2 मैस थी मेरे पास, तो लगभग 18-18 हज़ार का सामान जो है बर्बाद। उसके बाद क्या मार्केट भी नहीं खुली, जो हम उसे रिप्लेस कराते थे वो बिल्कुल पाउडर हो गया था समझिए। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से रहता हूँ। यूपी में कहाँ से? एक जगह डिवाइड दुरा है, मतलब बुलंदशहर से रहता हूँ। बुलंदशहर मेरे को तो ज़्यादा साल नहीं हुए, मम्मी रह रही हैं, मतलब 1983 से रहते। मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, मम्मी भी है, और मम्मी मतलब पापा तो बहुत साल, मैं जब 5 साल का था तो पापा ख़त्म हो गए थे। मेरा नाम पुनीता देवी है, मैं पहले सिक्योरिटी में ही थी। मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है, और मैं, बेटा 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा, बेटा रूम पर रहते हैं और स्कूल चला जाता है, समझदार है, दिक्कत की बात नहीं है। मकान मालिक भी है, वो भी सही है, थोड़ा देख लेता है। हाँ, देख रेख करनी पड़ती है, जो आया गया उसको एंट्री कराना पड़ता है। आपको बोरिंग सा नहीं लगता कभी? नहीं नहीं, बहुत सारा ऐसे तो देखिए कि मतलब आप देखेंगे तो लगेगा हमारा कुछ काम नहीं है, लेकिन मेरा तो काम बहुत रिस्पॉन्स की काम है।
कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, कहीं से हमारे स्टूडेंट जो भी हैं उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई बात के लिए। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होता है, पूरा हॉस्टल जितना मैं बिल्डिंग में हूँ पूरा हॉस्टल का मेरा जिम्मेवारी है, कहीं आगे पीछे से कहीं से भी गलती ना होना चाहिए। मैं मतलब पहले जब मैं गाँव में ही पैदा हुआ था तो मेरे पापा किसान थे, मतलब अच्छे थे, मतलब पैसे वाले थे हम, लेकिन मेरी जो मम्मी पापा की जो मम्मी थी वो मेरे पापा फौज में भी लगे थे, उन्होंने वो कहा कि फौज में नहीं करना तुझे के किसान करना किसान, तो उन्होंने फौज से निकाल मतलब आ गए वो वापस, तो उन्होंने किसानी करी। फिर अब जब गांव में पैदा हुए तो हम भी किसानी करेंगे। अब मम्मी के भाई बहन दिल्ली में रहते थे, मामा जो मेरे मामा हैं उन्होंने हमें बुलाया मेरे को और मेरी बहन को, तो वहाँ पे यहाँ पे पढ़े। फिर पापा का मन नहीं लगता था तो पापा ने मेरे को बुला लिया गांव में। अब जैसे वो ख़त्म हुए फिर दोबारा मैं दिल्ली में ही आ गया, तब से मैं ही रहता हूँ। और फिर सही नहीं था, फिर हिसाब किताब सही नहीं था, कमाने वाला भाई सही नहीं है, वो थोड़ा अवेयर करता था, घर का साथ भी नहीं देता था, तो इसलिए मैंने काम भी साथ में शुरू कर दिया। मैं तो उठ जाती हूँ 6 बजे उठती हूँ, हस्बैंड भी मतलब जॉब जाते हैं तो उनको भी लंच वगैरह बनाना पड़ता है, तो वो सुबह उठना पड़ता है, बच्चे को स्कूल भेजो, अपना पूरा काम वाम करके फिर यहाँ पे आना पड़ता है। हाँ, तो सुबह का मॉर्निंग ड्यूटी होता है तो हमको भी जल्दी निकलना पड़ता है, अभी दोपहर का है तो थोड़ा सारा काम हो जाता है जब आते हैं। हाँ ठीक ही है सर, वो थोड़ा स्टूडेंट वगैरह मानते नहीं हैं, लेकिन फिर हमें हैंडल करना पड़ता है कुछ, हम अपनी तरफ से ही बोलते हैं कि चलो ठीक है सर, आईडी वगैरह भी थोड़ा दिखाने में थोड़ा वो करते हैं। देखिए हर बच्चा तो एक जैसे होते नहीं हैं, हर बच्चे हर तरीके से होते हैं, तो कभी कभी कोई बच्चे साथ हम लोग को हो जाता है, जैसे नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं है, थोड़ा सा एटीट्यूड में है तो उसको थोड़ा समझाते हैं फिर वो भी समझ जाते हैं। मतलब जैसे ओल्ड बॉय में कुछ चीज़ जली रही है, मतलब जैसे दूध वगैरह रख गए तो वो जली रहा है, बिल्कुल ही बंद नहीं करके गए उसे। ठीक है। हाँ केटल वगैरह मतलब हाँ, और मगर केक वगैरह काट रहे हैं तो इधर उधर फेंक भी रहे हैं, कुछ मानती नहीं तो वो देखते नहीं कि कंप्लेंट होगी गार्ड के ऊपर आएगा नहीं आएगा। जो आजकल जो जैसे समाज बदल रहा है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? क्योंकि मूर्ख आदमी जो रहेगा सक्सेसफुल नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज कंप्यूटराइज हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, यदि उसको पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो कंप्यूटराइज हो जाएगा, मूर्ख आदमी यहाँ क्या करेंगे। सही बात है, इसीलिए जो है सर पढ़ाइए के ऊपर है, हर चीज है पढ़ाइए के ऊपर। चलिए ठीक है, ठीक है जी, सब अच्छा रहा, इंटरव्यू डन, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ठीक है, प्रणाम। तुम लगे और भी प्यारे, यूं तो हसीनों के महाजवीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे।